हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अन अकेडमी वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, जो आज का सेशन है, यहाँ पर लोग बेसिकली डिस्कशन करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एनटीपीसी सीबीटी वन में आए थे। तो चलिए सेशन को यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। और जो भी बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं गाइस, तो एक बार आप लोग इस सेशन को यहाँ पर शेयर कर दीजिएगा। हेलो हेलो सुनील, विक्रम, गुड मॉर्निंग गाइस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, यहाँ पर मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, जो बच्चे फर्स्ट टाइम आए मेरे सेशन में, मेरा नाम अनुराग है गाइस, और मैं आप लोग को अन अकेडमी में एसएससी कैटेगरी में जो जनरल अवेयरनेस के सब्जेक्ट हैं वो आप लोग के साथ में डिस्कशन करता हूं। और ये मेरा कोड है NG10, जिसका यूज करके आप अन अकेडमी पर मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कर सकते हो किसी भी कैटेगरी में, एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी, गेट, किसी भी कैटेगरी में। आगे दोस्तों, हम लोग बात करें तो एवरी संडे आपको देखने को मिलता है एसएससी कॉम्बैट। ये बेसिकली एक स्कॉलरशिप टेस्ट है, इसमें 1 करोड़ से भी ज्यादा की स्कॉलरशिप है, जिसमें आपसे 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 50 मिनट का आपके पास टाइम होता है। और गाइस, इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, तो खुद को एनरोल करें। और इसका टाइमिंग होता है 12 PM, और यूज करें दोस्तों इनवाइट कोड NG10। ये टेस्ट आप अपने एंड्रॉइड मोबाइल के थ्रू अनअकैडमी लर्निंग ऐप का इस्तेमाल करके दे सकते हो। हेलो राहुल, गुड मॉर्निंग। और अगर गाइस आप देख सकते हो, जो बच्चे टॉप 3 में आएंगे ना, उनको 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा। और इसके अलावा भी आप देख सकते हो यहाँ पर स्कॉलरशिप है। आगे दोस्तों, हम लोग बात करें तो 30+ बैचेस एवरी वीक आती है, 300+ क्लासेस एवरी डे होती है, 70+ इंडिया के टॉप एजुकेटर यहाँ पर आपको पढ़ाते हैं। दैट मीन्स एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में आप सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई यहाँ पर कर सकते हो। हेलो संगीता, हेलो अंकित, गुड मॉर्निंग गाइस। और हम बात करें दोस्तों, 40,000 आवर का रिकॉर्डेड कंटेंट है, मतलब प्रीवियस क्लास भी आपको मिलेंगी और जो अपकमिंग क्लासेस है वो भी आपको देखने को मिलेंगी। हर एक लेक्चर का PDF डाउनलोड कर सकते हो और स्ट्रक्चर्ड वे में आपको प्लेलिस्ट मिलेंगी वहां पे। 20,000 प्रैक्टिस क्वेश्चन और 90% से भी ज्यादा दोस्तों जो स्टूडेंट है उनका ट्रस्टेड है। आगे दोस्तों, हम लोग यहाँ बात करें तो इस समय जो मेरा ये अपकमिंग नहीं है, इस समय चल रहा कोर्स है दोस्तों इंडियन पॉलिटी, हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। 6 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है और इसका टाइमिंग होता है 4:15 PM अगर प्लस की बात में बात करूँ तो। हेलो SP। और अगर दोस्तों आपको कभी भी कोई डाउट आ जाता है तो आप अपने क्वेश्चन अपलोड करें और अनअकैडमी की टीम आपको वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देगी। हालांकि हर फोर्थ सेशन जो होता है अनअकैडमी प्लस में, वो आपको डाउट क्लियरिंग सेशन होता है। और हर एक एजुकेटर का दोस्तों आप कोर्स अवेल कर सकते हो एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में। और अगर आपको ड्यूरिंग दी क्लास कोई डाउट है तो रेज हैंड का यूज करके आप एजुकेटर से बात भी कर सकते हैं। इसमें 1 ईयर की फी 6,000, 2 ईयर की 7,000, ये पे मत करो, यूज करो कोड NG10, इंस्टेंट आपको 10% ऑफ मिलेगा। और 1 ईयर की फी हो जाएगी 5,850, और 2 ईयर की दोस्तों हम लोग बात करें तो 7,020। और याद रखना दोस्तों, आप जितने भी फैकल्टी एंड अकेडमी पढ़ाते हैं, आप उन सभी के जो कोर्सेस हैं वो देख पाओगे एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में। चलिए आगे बात करें तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आप लोग आंसर देना चालू करें। और ओके भाई, चंदन, मनोज, संगीता, गणेश, द APL चैनल। तो चलिए गाइस स्टार्ट कर लेते हैं। एशियन गेम जो है दोस्तों, हम लोग बात करें ये कहाँ पर होने वाले हैं 2022 में। और अभी आपने देखा होगा कि इसको लेकर के बातें भी चल रही हैं कि हमारी हॉकी टीम को भाई कॉमनवेल्थ गेम जो है बर्मिंघम में होने वाले ना इंग्लैंड में, वहां ना जाकर के सीधे एशियन गेम में जाना चाहिए। तो अभी कल मैं देख रहा था कि जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर वो ये बोल रहे हैं कि 2 टीम बनाओ, एक एशियन गेम में भेजो और दूसरी जो टीम है वो कॉमनवेल्थ गेम में भेजो। तो ये भी बात चल रही, तो देखिए क्या होता है। हाँ जी, तो गाइस हम लोग बात करेंगे कि ये गेम होने वाले हैं चाइना में, और चाइना में कहाँ पर होने वाले हैं अगर हम बात करें गाइस, तो ये भी आप लोग को वैसे पता होना चाहिए। तो चाइना में दोस्तों, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि भाई ये गेम कहाँ पर हो रहे हैं, तो आप लोग को याद रखना है ये गेम चाइना में जिस शहर में होने वाले हैं उसका नाम है हांगझाऊ। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। और गाइस, अभी जागरण जोश का मैं आर्टिकल देख रहा था मॉर्निंग में, तो उनके हिसाब से 15 अक्टूबर तक आपका रिजल्ट आना चाहिए NTPC का, पेपर में तो यही निकला हुआ है। और अगर हमसे दोस्तों पूछ लिया जाए कि जो फर्स्ट एशियन गेम है वो कब और कहाँ हुए, तो ये भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट एशियन गेम दोस्तों 1951 में हुए, और ये जहाँ पर हुए वो हमारी राजधानी है, यानी कि पहले जो एशियन गेम है दोस्तों ये आपके न्यू दिल्ली में हुए, और कॉमनवेल्थ गेम बर्मिंघम में होंगे 2022 की, ये भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, आपको मुझे ये बताना है कि जो हुबली रेलवे स्टेशन है उसका नया नाम क्या रखा गया, हुबली रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है, इस क्वेश्चन का आंसर दें आप। इस क्वेश्चन का आंसर दें कि हुबली रेलवे स्टेशन दोस्तों जो है उसका नया नाम क्या रखा गया। और अगर बात करूं, जो हुबली है वो हेडक्वार्टर भी है किसका, तो हम बात करें दोस्तों, ये आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा साउथ वेस्टर्न रेलवे का, दक्षिणी पश्चिमी रेलवे का हेडक्वार्टर भी आपको देखने को मिलेगा हुबली में। और हुबली दोस्तों है कहाँ पर, मैं बात करूँ तो ये आपको कर्नाटक में देखने को मिलेगा। तो आप लोग मुझे बताइए हुबली रेलवे जंक्शन का नया नाम क्या है। राहुल ए बता रहे हैं, हाँ जी। तो दोस्तों यहाँ पर करेक्ट ना आंसर बिल्कुल सही बता रहे हो आप,
श्री सिद्धारूढ स्वामी जी रेलवे स्टेशन इसका नया नाम है। और आज की डेट में दोस्तों याद रखना, ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म यहीं पर बन रहा है। वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म जो है लगभग 1.4 किलोमीटर का दोस्तों, वो आपको हुबली में ही देखने को मिलेगा। ये बात भी आप लोग जरूर से जरूर याद रखना। अब इसका करेक्ट आंसर गोरखपुर नहीं होगा, अब लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म आपको हुबली का देखने को मिलेगा। तो बेटा ऑप्शन ए एकदम करेक्ट है, संगीता, राहुल है ना, जीवन, ठीक है। चले तो चले अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है आपका, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई, ये हम लोग दोस्तों हर साल कब ऑब्जर्व करते हैं। इंटरनेशनल डे, अगर हम लोग दोस्तों यहाँ पे बात कर, इंटरनेशनल डे फॉर क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई जो है ये हम लोग कब ऑब्जर्व करते हैं, अगर ये आपसे पूछा जाए तो। तो ये क्वेश्चन तो वैसे अब आना नहीं चाहिए, पर फिर भी 19 दिसंबर, बिल्कुल ठीक है। अगला बात करते हैं दोस्तों, अगर हम यहाँ पे डिस्टेंस करें, जो गवर्नमेंट है इन्होंने लॉन्च किया 15 डे कैंपेन है ना, बात कर गंदगी भारत छोड़ो, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है भाई कि ये कौन से गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, गंदगी भारत छोड़ो ये कौन सी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, गंदगी भारत छोड़ो ये किसने लॉन्च किया। ट्राई करें गाइस इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया, गंदगी भारत छोड़ो। गंदगी भारत छोड़ो 15 दिन के लाया गया था और सफाई से रिलेटेड ही है। तो दोस्तों ये लॉन्च किया गया था मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा, और मध्य प्रदेश के बारे में हम लोग को पता ही है भाई कि यहाँ पर सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है, कितने 11, और पूरे देश में कितने 106 है ना। और यहाँ पर रामसर साइट कौन सी दोस्तों, तो आपको पता ही है भोजताल, रामसर साइट है भोजताल, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए, जिसको अपर लेक भी बोल दिया जाता है। तो ये भी आप लोग यहाँ पर जरूर से जरूर याद रखेंगे। सबसे ज्यादा रामसर साइट दोस्तों कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश, कितनी है रामसर साइट, 8। नेशनल पार्क यूपी में दोस्तों कौन सा है, एक ही है, और वो कौन सा है दोस्तों, आप लोग क्या मुझे बता सकते हो कि यूपी में नेशनल पार्क कौन सा है। अगर हम बात करें दोस्तों तो एक ही नेशनल पार्क है यूपी में, वो है आपका दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों हम लोग यहाँ बढ़ते हैं। बेल्लूर मठ जो है ये कौन से स्टेट में सिचुएटेड है, बेल्लूर मठ। देखो बेटा बेल्लूर मठ के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो इसकी स्थापना की गई थी 1897 में। इनफैक्ट मैं बात करूं दोस्तों, बेल्लूर मठ को हेडक्वार्टर भी बनाया गया था, किस चीज का मैं बताना चाहूंगा आपको, ये बनाया गया था हेडक्वार्टर रामकृष्ण मिशन का दोस्तों हम लोग बात करें तो इसको हेडक्वार्टर बनाया गया था। आपसे पूछा जा रहा है कहां पर, हाँ जी बेटा दुधवा नेशनल पार्क यूपी में, एकदम ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर था ये बेल्लूर मठ दोस्तों हम लोग बात करेंगे तो कौन से स्टेट में, तो यहाँ पे बात करेंगे तो बाहुबी वीर रीता वेस्ट बंगाल में है दोस्तों, बिल्कुल ठीक है। और वेस्ट बंगाल में भी कहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ तो आपको बताना चाहूंगा, वेस्ट बंगाल में ये है हावड़ा में, और आपको पता ही होगा दोस्तों कि जो हावड़ा है और कोलकाता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्विन सिटी बोलते हैं। और हावड़ा कोलकाता को दोस्तों कनेक्ट करता है कौन सा ब्रिज, कई सारे ब्रिज है जिनमें से एक हो जाएगा आपका हावड़ा ब्रिज जो कि हुगली नदी पे बनाया गया, या फिर उसी को रविन्द्रनाथ सेतु भी आप बोल देते हो, उसी को दोस्तों उसी के पास में हम लोग को और भी ब्रिज मिलते हैं, जैसे कि दोस्तों मैं बात करूंगा विद्यासागर ब्रिज भी आपको देखने को मिलेगा। तो इनको हम लोग ट्विन सिटी के नाम से जानते हैं। और अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि ये जो बेल्लूर मठ है किसने बनाया, तो ये भी हमको याद रखना है, इसको बनाने वाले थे स्वामी विवेकानंद जी, इन्होंने अपने गुरु के नाम पे दोस्तों हम लोग बात करें तो ये पूरा मिशन चलाया था स्वामी विवेकानंद जी ने दोस्तों, बेल्लूर मठ बनाया था। तो ये भी आप लोग के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। और आपको ये भी याद रखना है दोस्तों कि वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ जो रिलीजन हुई थी, विश्व धार्मिक जो दोस्तों हम लोग बात करें, जो संसद लगाई गई थी शिकागो में, ये 1893 में लगाई गई थी, जब स्वामी विवेकानंद जी ने दोस्तों वहां पर जाकर के लोगों को संबोधित किया था। और अगर आपसे पूछा जाए स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहां पर बनाया गया, स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहां पर बनाया गया है, तब इस केस में दोस्तों आपको आंसर क्या देना है बताओ, कन्याकुमारी। ये भी आप लोग यहां पर याद रखना, कन्याकुमारी, स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहां पर है, कन्याकुमारी में बनाया गया, ठीक है ना, स्वामी विवेकानंद जी की याद में। चले अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग दोस्तों यहां पर बढ़ते हैं, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे लिए क्या होने वाला है। चले दोस्तों बरमूडा आइलैंड जो है ये कौन से ओशियन में,
बर्मुडा आइलैंड जो है वो कौन से ओशन में? बिल्कुल, और शिकागो जो है कौन सी लेक के किनारे है? तो लेक मिशिगन। इसका आंसर दीजिए दोस्तों बर्मुडा आइलैंड। आई होप आप लोगों ने नाम सुना होगा दोस्तों, किसका? बर्मुडा ट्रायंगल का, बर्मुडा ट्रायंगल का। तो ये बर्मुडा ट्रायंगल जो है दोस्तों, ये बर्मुडा के नाम पे ही है। बेसिकली हम बात करेंगे दोस्तों, ये इस तरीके का ट्रायंगल बन जाता है, ये लाइक दैट है ना। बात करूंगा तो ये आपका जो फ्लोरिडा से स्टार्ट होकर के प्यूर्टो रिको, देखो ये फ्लोरिडा से स्टार्ट होगा, ये प्यूर्टो रिको जाएगा और ये यहाँ पे जाएगा बर्मुडा। तो इसके देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, ये बर्मुडा हो गया, ये फ्लोरिडा हो गया, ये प्यूर्टो रिको हो गया, ठीक है ना। तो इसके बीच में दोस्तों हम लोग बात करेंगे, तो कोई भी चीज जाती है तो गायब हो जाती है, पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ जा रही है, समझ रहे हो। तो इसी को दोस्तों हम लोग बोल देते हैं बर्मुडा ट्रायंगल। तो इसके एक साइड पे बर्मुडा है, फ्लोरिडा है और यहाँ पे प्यूर्टो रिको है। तो अगर दोस्तों मैं यहाँ पे बात करने की कोशिश करूँ, ये आपको देखने को मिलेगा नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में देखने को मिलेगा। और अटलांटिक ओशियन के बारे में आपको हमेशा याद रखना दोस्तों कि ये बिजिएस्ट ओशियन है ना, व्यापार के दृष्टिकोण से सबसे व्यस्तम। हम लोग दोस्तों बात करेंगे तो महासागर है ये, और इसका शेप कैसा होता है दोस्तों, ये भी एग्जाम में आता है। इसका शेप होता है एस, इसका शेप होता है एस के जैसा, अटलांटिक ओशियन का। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। अगला बात करते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन की तरफ, देखिएगा जरा। यहाँ पर बोला जा रहा है दोस्तों आपसे, पाबना एग्रीगेरियन जो लीग है ना, इसके बारे में कौन सी बातें ट्रू है यानी कि सत्य, और कौन सी बातें दोस्तों असत्य है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, द स्ट्रगल कैरीड ऑन पाबना एग्रीगेरियन लीग वॉज मोस्टली इन फॉर्म ऑफ लीगल रेजिस्टेंस। पाबना एग्रीगेरियन लीग द्वारा किया गया संघर्ष ज्यादातर कानूनी प्रतिरोध के रूप में किया गया था, यस और नो। दूसरा, द प्रेजेंट ऑफ पटना जिले में, बेसिकली दोस्तों बात करें पटना जिले में जो यूसुफ शाही जो परगना है ना, वहां पर दोस्तों हम लोग बात करेंगे तो पबना एग्रीगेरियन लीग है। बेटा ये दोनों बातें सही है, ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट, बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। ये हम लोग बात करेंगे तो पटना में आपको देखने को मिला था। बात करेंगे दोस्तों ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सेंचुरी कहाँ पर है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड दोस्तों ये विलुप्त प्राय है, ये विलुप्ति के कगार पे पहुंच गया और देश में बहुत ही कम बचे हैं। तो हमसे पूछा जा रहा है दोस्तों, जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सेंचुरी यानी कि अभयारण्य कहाँ पर है, और आपको बताना चाहूंगा दोस्तों ये 1979 में बनाया गया था, इसको 1989 में बनाया गया था। और हमसे पूछा जा रहा है कि भाई ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सेंचुरी। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए जरा सारे बच्चे यार, प्लीज एक बार सेशन को शेयर और लाइक जरूर कर देंगे, ठीक है ना। हाँ जी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड दोस्तों ट्राई करें। ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वैसे आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान में भी आपको देखने को मिलता है, बट इस क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। और हम लोग दोस्तों अगर बात करेंगे तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये जो सेंचुरी आपको दिख रही है, महाराष्ट्र में एक इलाका पड़ता है दोस्तों जिसका नाम है सोलापुर। मेरे ख्याल से आप लोगों ने डेफिनेटली सुना होगा सोलापुर, जो सोलापुर इलाका है वहां पर आपको देखने को मिलेगा द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सेंचुरी। देन दोस्तों हम बात करेंगे जो धरानी पोर्टल है, आपसे पूछा जा रहा है जो धरानी पोर्टल है ये कौन से स्टेट से रिलेटेड है। धरानी पोर्टल, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। धरानी पोर्टल जो है वो कौन से स्टेट से रिलेटेड है? देखो धरानी है क्या, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था जब ये आया था, कि बेसिकली लैंड रिकॉर्ड से रिलेटेड है। तो इसमें दोस्तों क्या किया जाता था कि लैंड को रिकॉर्ड करके रखा जाता था डिजिटली, ठीक है ना। तो लैंड रिकॉर्ड है बेसिकली ये, और हम लोगों से दोस्तों पूछा जा रहा है कि भाई ये कौन से स्टेट ने जारी किया था, ताकि दोस्तों लैंड रिकॉर्ड इतना प्रॉपर कर लिया जाए, मतलब जो जमीनी का, जो जमीन का रिकॉर्ड दोस्तों इतना प्रॉपर कर लिया जाए, तो किसी प्रकार का डिस्प्यूट यानी कि विवाद आपको देखने को ना मिले, है ना। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ जी, तो गाइस ये धरानी पोर्टल लेकर के आया था कौन, तेलंगाना, है ना। अगर ये आप लोगों से क्वेश्चन आ जाए दोस्तों तो तेलंगाना इसका करेक्ट आंसर आप लोग यहाँ पे बताएंगे। और तेलंगाना की बात करें दोस्तों तो केसीआर जो है दोस्तों वो, मतलब हम लोग बात करेंगे केसीआर यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। तमिल साई सुंदरा राजन दोस्तों हम लोग बात करें तो वो यहाँ की गवर्नर है, जो कि पुडुचेरी की भी गवर्नर है, ये भी हमको पता रहना चाहिए। और बात करें दोस्तों इनकी राजधानी आपको पता ही है हैदराबाद, और हैदराबाद जो है वो कौन सी नदी के किनारे है, ये भी आपको रटा ही हुआ होगा, ये आपको मूसी नदी के किनारे देखने को मिलता है, ये भी आप लोग को मालूम है ना। बिल्कुल, अगला दोस्तों हम लोग बात करेंगे अर्थ डे।
अर्थ डे दोस्तों किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? अर्थ डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए जरा। अर्थ डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर दें। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। वैसे इस बार का थीम अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा? रिस्टोर अवर अर्थ, रिस्टोर अवर अर्थ दोस्तों, ये इस बार का हम लोग बात करेंगे तो थीम है। और सभी बच्चे एकदम करेक्ट आंसर दे रहे हैं, और राहुल, जीवन, संगीता। तो ये दोस्तों हम लोग बात करेंगे तो 22 अप्रैल आपको देखने को मिल जाएगा। अच्छा, अगर मैं बात करूं दोस्तों 22 मार्च क्या होता है, 22 मार्च, 22 मार्च को क्या होता है? गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, तो ये तो इसका थीम हो जाएगा, इस बार का थीम विषय आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो ये दोस्तों हम लोग बोल सकते हैं ये है आपका वर्ल्ड वाटर डे, वर्ल्ड वाटर डे है ना। और इसी दिन दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि बिहार दिवस भी होता है, ये बिहार भी इसी दिन मनाया गया था, तो बिहार दिवस, बिहार डे भी इसी दिन होता है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है ना। हाँ बेटा, क्लास डेली होती है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि जो क्लास है ये रिकॉर्डेड फॉर्म में आ रही थी ना, लेकिन अभी फिर से डेली होगी। चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन दोस्तों। चलिए दिन दोस्तों हम बात करेंगे अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो मैक्सिमम होता है कब, पृथ्वी और सूर्य के बीच का दोस्तों जो डिस्टेंस होता है वो अधिकतम कब होता है। देखो भाई, ये मान लो गाइज ये आपका अर्थ है, ये पृथ्वी है, ठीक है। तो ये मान लेते हैं, ये उतना अच्छा डायग्राम बना कोई नहीं, चलो मैं यहाँ पर बताता हूँ कि ये मान लो अर्थ है और ये इसकी दो पोजीशन बना लेते हैं, इसको अर्थ नहीं, इसको हम लोग क्या बनाना पड़ेगा, ये आपका सन है, सूरज है। अब पृथ्वी की दोस्तों दो पोजीशन लिखो, एक है ईवन पोजीशन मान लो और एक है मान लो E2 पोजीशन। तो अगर दोस्तों मैं बात करूंगा कि ये जो पोजीशन है ये पृथ्वी और सन के बीच की पास है, ये 14.7 करोड़ किलोमीटर, और ये वाला जो आप देख रहे हो ये दोस्तों आपका 15.2 करोड़ किलोमीटर, यस और नो? तो अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूंगा इस, तो आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो अर्थ की एक पोजीशन जो है वो सन के काफी पास है और एक पोजीशन आप देखोगे तो सन से काफी दूर है। तो ये दोनों ही ना आपको याद होनी चाहिए, इनका डे भी आपको याद रखना पड़ेगा और एक इसको क्या बोलते हैं ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो और दोनों बातें देख लेते हैं। तो जब डिस्टेंस यहाँ पर आपको मैक्सिमम दिख रहा है और यहाँ पर दोस्तों आपको डिस्टेंस क्या दिख रहा है, मिनिमम दिख रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो होता है, जो मिनिमम होता है, ये होता है आपका 3 जनवरी को, 3 जनवरी को एकदम पास होता है, और पास से पास और पी एक जैसा हो जाएगा तो इसको हम लोग पेरिहेलियन बोलते हैं। एक सेकेंड गाइस, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, पेरिहेलियन, पेरिहेलियन। और पेरिहेलियन को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, उपसौर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उपसौर। और जब दूर होता है तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, अपहेलियन। और अपहेलियन को दोस्तों हम लोग क्या बोल देते हैं, अपसौर बोल देते हैं। तो जो दूर होता है ये कब होता है दोस्तों, ये भी आप लोग याद रखो, ये आपको देखने को मिलता है 4 जुलाई। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 जुलाई एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, यस और नो? और अगर हम लोग बात करेंगे सबसे छोटा दिन कब होता है, शॉर्टेस्ट डे, शॉर्टेस्ट डे दोस्तों होता है हमारा 22 दिसंबर। ऐसा क्यों होता है सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर, क्योंकि जो सूर्य की सीधी किरणें होती है दोस्तों वो मकर रेखा पे पड़ती है उस समय। मकर रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, यानी कि 23.5 डिग्री साउथ। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे छोटा दिन होता है क्योंकि ठंड आ जाती है हमारे यहाँ पे। और सबसे बड़ा दिन दोस्तों हमारे यहाँ पे कब होता है, 21 जून। क्यों होता है सबसे बड़ा दिन, क्योंकि उस समय जो सन की सीधी किरणें दोस्तों वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा में पड़ती हैं। ये आपका लॉन्गेस्ट डे हो जाता है, जिस दिन योगा डे भी होता है। मेरे ख्याल से गाइस आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो ये भी याद रखना आप, 21 मार्च, 21 मार्च और 23 सितंबर, इस दिन दोस्तों बात करें दिन और रात बराबर होते हैं। और इस दिन दोस्तों हम लोग क्या होता है, हमको क्या देखने को मिलता है, इस दिन हमको इक्विनॉक्स देखने को मिलता है। और इक्विनॉक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, विषु बोलते हैं। इस समय क्या होता है, आपके दिन और रात बराबर होते हैं इन दोनों दिन,
और नाइट इक्वल होते हैं, ये भी आप लोग को यहाँ पे याद रखना है। क्या गाइस ऑल गुड, सभी बच्चों को एकदम क्लियर है? क्योंकि यहाँ से मैंने आपको पता है 3-4 क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं इससे एक क्वेश्चन में, और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, तो आपको याद रखना। चलिए, हमसे पूछा जा रहा है दोस्तों, जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, जो मौलिक कर्तव्य है, वो कब हमारे संविधान में शामिल किए गए, हमारे संविधान में कब शामिल किए गए? हम सभी को पता है जब हमारा संविधान बनाया गया था उस समय ये नहीं थे, ये बाद में लाए गए, तो आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों ये कब शामिल किए गए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए जरा, है ना, इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना गाइस। ओके ऑल गुड, चले। और अभी जो है ये एनटीपीसी वाली जो सीरीज है, मैं बात करूं दोस्तों तो ये एक दो दिन में मैं खत्म करके एक नई सीरीज चालू करूंगा एनटीपीसी और सारे एग्जाम्स के लिए, जिसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे हर एग्जाम के लिए, ठीक है। हाँ जी, तो गाइस हम लोग बात करेंगे 1976, और आपको पता है कि कौन से अमेंडमेंट से हुआ था ये, संविधान के 42वें संशोधन से हुआ था, और 42वें संशोधन को, 42वें अमेंडमेंट को, 42nd को हम लोग क्या बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं ना, इंदिरा गांधी ने इसको करवाया था, और आपको पता है इसके थ्रू ही एक नया भाग ऐड हुआ था, एक नया पार्ट ऐड हुआ था, जिसका नाम क्या था, Part 4A, है कि नहीं? और कौन सा आर्टिकल आया था, तो आपको याद होना चाहिए दोस्तों, आर्टिकल नंबर 51A। और कितनी फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुई थी, 10, और बाद में एक और ऐड हुई थी, ये कौन से अमेंडमेंट्स ऐड हुई थी, तो ये ऐड हुई थी 86वें संशोधन से, और 86वां संशोधन दोस्तों कब हुआ था, 2002, ये भी आप लोग यहाँ पे याद रखना। हाँ, कौन सी कमिटी के सिफारिश पे हुई थी दोस्तों, तो सरदार स्वर्ण सिंह, ये भी हमारे एग्जाम में आता है, कौन सी समिति के रिकमेंडेशन पर, सरदार स्वर्ण सिंह कमिटी के सिफारिश पर ये ऐड हुई थी, और ये कहाँ से लिया गया था दोस्तों, यूएसएसआर से लिया गया था, और यही यूएसएसआर दोस्तों बाद में 15 भागों में डिवाइड हुआ था 1991 में, और जो सबसे बड़ा पार्ट है दोस्तों यूएसएसआर का, उसको आज हम लोग रशिया के नाम से दोस्तों जानते हैं, ठीक है, बिल्कुल। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपसे दोस्तों पूछा जा रहा है, अगर प्रेसिडेंट को एडवाइस लेना हो, प्रेसिडेंट को एडवाइस लेना हो सुप्रीम कोर्ट से किसी का किसी भी मुद्दे पे, तो वो कौन से आर्टिकल में लिखा गया है, ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना, अगर हम लोग बात करें प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को एडवाइस लेना हो, तो ये कौन से आर्टिकल में लिखा गया है, सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेगा, ये देखो, भारत का जो राष्ट्रपति दोस्तों, वो सर्वोच्च न्यायालय से क्या लेगा, हम लोग बात करें दोस्तों, तो एडवाइस लेगा, सलाह लेगा। वैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो प्रेसिडेंट की पोस्ट है ये हमारे देश में कहाँ से ली गई है, यूएसए से ली गई है, ठीक है ना, और प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन का मेथड है ये हम लोगों ने कहाँ से लिया दोस्तों, ये हम लोगों ने लिया है, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा, बता सकते हो आप, ये दोस्तों हम लोगों ने लिया है आयरलैंड से, इलेक्शन का मेथड हम लोगों ने आयरलैंड से लिया है। तो बिल्कुल आर्टिकल नंबर 143 एकदम करेक्ट बता रहे हो गाइस आप लोग, आर्टिकल नंबर 143 एकदम करेक्ट है, तो ये भी आप लोग को एकदम अच्छे से ध्यान रखना है। और प्रेसिडेंट जो है कौन से आर्टिकल में दोस्तों, आपको पता है कि प्रेसिडेंट जो है आर्टिकल नंबर 52 में, अनुच्छेद क्रमांक 52, ठीक, तो दोनों क्वेश्चन याद रखना कि भाई साहब पोस्ट कहाँ से लिया गया, यूएसए से, और इलेक्शन का मेथड कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से। चले अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों हम लोग मूव कर लेते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है, प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट करने का महाभियोग जो है कौन सा आर्टिकल में दोस्तों, महाभियोग आपको मिलेगा आर्टिकल नंबर 61 में, और महाभियोग की जो प्रक्रिया ये भी हम लोगों ने यूएसए से लिए, महाभियोग की प्रक्रिया को स्टार्ट करने के लिए कितने चाहिए दोस्तों, 1/4 चाहिए किसी भी सदन में स्टार्ट करने के लिए, लेकिन दोस्तों इसको पारित करने के लिए, पास करने के लिए कैसी कितनी मेजोरिटी चाहिए, 2/3 चाहिए दोस्तों, यानी कि स्पेशल मेजोरिटी चाहिए इसको पास कराने के लिए। हालांकि आज तक कोई भी राष्ट्रपति को दोस्तों महाभियोग जो है नहीं चलाया गया, इम्पीचमेंट नहीं चलाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका गांधी जी लॉन्च हिज फर्स्ट सक्सेसफुल सत्याग्रह, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने अपना जो पहला दोस्तों सत्याग्रह था वो कहाँ पर प्रारंभ किया। बेटा आर्टिकल नंबर 63 में ना वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। हाँ जी, तो गाइस हम लोग बात करेंगे, तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि जो गांधी जी हैं वो इंडिया कब आए थे, वो आए थे 9 जनवरी को, और ईयर का क्या था दोस्तों, 1915, ये भी हमको याद रखना है। और 9 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, एनआरआई डे, यानी कि अप्रवासी भारतीय दिवस, अप्रवासी भारतीय दिवस। तो गाइस हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, तो ये चंपारण आंदोलन था, ये कब हुआ था, तो आपको पता है 1917 में हुआ था,
ठीक है ना। चंपारण गाइस हम लोग बात करेंगे तो ये आपको कहाँ पर मिलेगा, बिहार में मिलेगा। और बिहार की समस्या क्या थी तो आपको ये भी याद रखना है गाइस, ये था तीन काठिया सिस्टम। तीन काठिया सिस्टम, और तीन काठिया सिस्टम में क्या था कि जमीन में दोस्तों 20 काठा में से 3 काठा में आपको इंडिगो यानी कि नील की खेती करनी पड़ती थी। और हम लोग दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे तो क्या किया गया था, अगर आपको याद होगा दोस्तों कि यहाँ पे जो है नील की खेती करनी पड़ती थी, लेकिन तभी जर्मनी में नील की खेती चालू, सॉरी जर्मनी में केमिकल से नील बना लिया गया था, इंडिगो बना लिया गया था। तो उसी कारण क्या था, जो ब्रिटेन के लोग हैं उनको बहुत लॉस हुआ था, तो उन्होंने बहुत सारे पैसे वसूल लिए थे इंडियन से, तो यहाँ पे विरोध किया गया था। और चंपारण में दोस्तों जो लोकल लीडर थे वो कौन थे, राजकुमार शुक्ला थे। और राजकुमार शुक्ला के दोस्तों कहने पर हम लोग बात करेंगे तो गांधी जी ना, जेबी कृपलानी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी दोस्तों गए थे, और यहाँ पर जो तीन काठिया सिस्टम था पूरी तरीके से खत्म भी कर दिया गया था, है ना। बिल्कुल, देन दोस्तों हम लोग बात करेंगे इंडिया का, जो दोस्तों हम लोग बात करें जो मेडिसिन है, जो बेसिकली आयुर्वेद है, वो इनमें से कौन से वेद से आया। हाँ जी, गुड मॉर्निंग बेटा। जो आयुर्वेद की जो सिस्टम है दोस्तों वो हमसे पूछा जा रहा है कि वो कहाँ से आया, इनमें से कौन से वेद से आयुर्वेद जो है वो लिया गया। हेलो सौरभ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, तो गाइस ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्वेद। और आपको एक बात और याद रखना है, ये तीनों वेदों को एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिवेद बोलते हैं, क्योंकि तीनों वेद आपस में एकदम कनेक्टेड है ना, इनको हम लोग त्रिवेद बोलते हैं। और बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा आपका अथर्ववेद। बिल्कुल, अथर्ववेद से हम लोग बात करेंगे तो आपका आयुर्वेद लिया गया, बिल्कुल अथर्ववेद करेक्ट हो जाएगा। देखिएगा ऋग्वेद में क्या है दोस्तों, मंत्र है, ऐसे मंत्र जिनको उच्चारण से जो भगवान है वो खुश होते हैं, है ना। सामवेद में क्या है दोस्तों, उन मंत्रों को हम लोग बात कर रिदम में यानी कि लय में बांध दे तो सॉन्ग बन जाता है। तो सामवेद में दोस्तों क्या है, इंडियन म्यूजिक का ओरिजिन है, भारतीय जो संगीत है दोस्तों वो यहीं से आया। इसके अलावा दोस्तों हम लोग बात करेंगे कौन से मंत्र में कौन सा त्याग करना है, ये हमको कौन बताता है, यजुर्वेद। तो दोस्तों हम लोग बात करेंगे तो त्याग से रिलेटेड या फिर बात करें दोस्तों आपका जो भी रिचुअल्स है वो सब दोस्तों आपको यजुर्वेद में देखने को मिलेंगे। तो स्टार्टिंग के तीनों वेद एक साथ कनेक्टेड है, और चौथा वेद दोस्तों लोग बात करें ये मैजिक की भी बात करता है कि मैजिक से भी लोगों को ठीक किया जा सकता है, मंत्रों से भी लोगों को ठीक किया जा सकता है। तो याद रखना दोस्तों, जो चौथा वेद अथर्ववेद बिल्कुल अलग है, स्टार्टिंग के तीन वेद को हम लोग त्रिवेद बोलते हैं। चलें अगला, तानसेन संगीत महोत्सव जो है दोस्तों ये कौन से स्टेट में होता है। तानसेन संगीत महोत्सव दोस्तों कौन से स्टेट में आपको देखने को मिलता है। सेक्रीफाइस की बात आप बोल सकते हो बेटा, बिल्कुल यजुर्वेद के लिए। तानसेन संगीत महोत्सव जो है दोस्तों हम लोग बात करेंगे ये कौन सा स्टेट में आपको देखने को मिलता है, और ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। ये दोस्तों हम लोग बात करेंगे तो ये मैंने बहुत बार देख लिया है आपके एग्जाम में आते हुए। तो बिल्कुल गाइस हम लोग बात करेंगे तो ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, ये मध्य प्रदेश में दोस्तों देखने को मिलेगा। और मध्य प्रदेश में भी कहाँ पर देखने को मिलेगा, जहाँ के तानसेन हुआ करते थे यानी कि ग्वालियर, ग्वालियर में दोस्तों इनकी इनका मकबरा है तानसेन का, वहां पर ये होता है। और हम लोग दोस्तों बात करें इनका रियल नेम क्या था, ये भी आपको याद रखना है, इनका रियल नेम था राम तनु पांडे, राम तनु पांडे इनका रियल नेम था। और एक और क्वेश्चन आता है कि जो तानसेन संगीत समारोह है दोस्तों इसको कौन ऑर्गेनाइज करता है, मतलब कि कौन इसको करवाता है। दोस्तों इसको भी याद रखना है उस्ताद, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, दैट्स मैं आप लोग को बता रहा हूँ, उस्ताद अलाउद्दीन, उस्ताद अलाउद्दीन खान, उस्ताद अलाउद्दीन खान कला। अच्छा, इसका टेलीग्राम में मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा ना, ठीक है ना। इस उस्ताद अलाउद्दीन खान कला एवं संगीत एकेडमी दोस्तों इसको हर साल कराती है, और साथ में इसमें मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का जो कल्चरल मिनिस्ट्री है उसका भी दोस्तों हम लोग बात करेंगे तो सहयोग रहता है। लेकिन आप लोग को मेनली याद रखना है उस्ताद अलाउद्दीन खान कला एकेडमी, और साथ में दोस्तों हम लोग बात करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर यानी कि जो सांस्कृतिक मंत्रालय है मध्य प्रदेश का, वो भी इसमें दोस्तों पार्ट लेता है, लेकिन मेनली यही है। और ये 4 दिन के लिए होता है दोस्तों, और ये कौन से मंथ में होता है अगर ये भी पूछ लिया जाए तो ये आपको दिसंबर के महीने में देखने को मिलता है, ठीक है, ये भी आप लोग यहाँ पे याद रख सकते हो, ठीक है। बिल्कुल,
तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और एग्जाम में कई बार आ चुका है भी। चले आपसे 200 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी, कांग्रेस सोशलिस्ट जो पार्टी थी, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इसको किसने बनाया था 1934 में, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी इसकी स्थापना किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी ने, आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण ने, सुभाष चंद्र बोस और पीसी जोशी ने, सैफुद्दीन किचली एंड राजेंद्र प्रसाद ने। इनमें से दोस्तों किसने हम लोग बात करेंगे, तो आपका कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाई थी आपको बताना है। और दोस्तों इनमें से एक व्यक्ति वो है जो हमेशा कहते थे कि पार्टी लेस होनी चाहिए डेमोक्रेसी। पार्टी लेस को हिंदी में हम लोग बोलते हैं दल रहित। दल रहित क्या होनी चाहिए दोस्तों? डेमोक्रेसी यानी कि जो लोकतंत्र है वो दल रहित होना चाहिए। ये भी इनमें से एक व्यक्ति का डायलॉग था। वो ऐसा चाहते थे कि मतलब सब लोग जो चुनाव होता है ना वो सब निर्विरोध लड़े, ये भी बात की जाती है। बेटा 5:30 AM पे स्टार्ट होता है ये सेशन, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और जयप्रकाश नारायण जी दोस्तों बात करते थे पार्टी लेस डेमोक्रेसी की, यानी कि दल रहित लोकतंत्र की, तो ये भी आप लोग याद रखें ना, ठीक है? चलिए, हाँ जी भाई, अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग बात करेंगे तो और किसके बारे में बात करें, जैसे महात्मा गांधी के बारे में दोस्तों आप याद रख सकते हो, यंग इंडिया, हरिजन, इंडियन ओपिनियन, है ना, ये सब हैं, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, ये सब इनकी बुक्स भी हैं। जवाहरलाल नेहरू का दोस्तों क्या रखना है, इनकी जो आत्मकथा थी उसका नाम था एन ऑटोबायोग्राफी। इनकी एक इंपॉर्टेंट बुक है ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री और डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये याद रखो। सुभाष चंद्र बोस जी की दोस्तों जो आत्मकथा है, जो ऑटोबायोग्राफी, उसका नाम क्या, इंडियन स्ट्रगल, ये याद रख सकते हो, तो इंपॉर्टेंट है बेटा। चलिए, जय जवान जय किसान का जो नारा है दोस्तों, जो स्लोगन है, किसने दिया था? जय जवान जय किसान। अभी दोस्तों हम लोग बात करेंगे तो रिसेंटली इनका बर्थडे भी गया है 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर को दोस्तों हम लोग बात करें तो इनका बर्थडे अभी अभी गया है। तो बताएं जय जवान जय किसान हम लोग किसको बोलते हैं? इनकी जो समाधि है दोस्तों, है ना, इनकी जो समाधि है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बता सकते हैं कोई? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इनकी जो समाधि है उसको क्या बोलते हैं? ट्राई करो बेटा, ये सब मैंने आपको पढ़ाया है, समाधि क्रेमेटोरियम मैंने आपको पढ़ाया है, समाधि ऑफ लाल बहादुर शास्त्री जी, है ना, बिल्कुल। तो बेटा जय जवान जय किसान जो है लाल बहादुर शास्त्री जी का था, और इनकी समाधि को हम लोग बोलते हैं विजय घाट। और आखिरकार इनकी समाधि को दोस्तों विजय घाट क्यों बोलते हैं? ये घाट क्यों है दोस्तों? क्योंकि ये यमुना नदी के किनारे है, कहाँ पर? दिल्ली में। क्योंकि गाइस याद रखना, इन्हीं के समय हमने पाकिस्तान को 1965 में हराया था, तो दोस्तों क्योंकि ये जीत गए थे, है ना, क्योंकि हम लोग जीत गए थे, इसलिए इनकी समाधि का नाम भी विजय घाट रखा गया था। और दोस्तों इनको हम लोग क्या बोलते हैं, मैन ऑफ पीस भी बोलते हैं ना, मैन ऑफ पीस, क्योंकि दोस्तों ये हमेशा शांति चाहते थे, ये बात आप लोग को याद रखना है। ये हमारे देश के दोस्तों दूसरे प्रधानमंत्री हैं, और 1966 में दोस्तों हम लोग बात करेंगे तो इनकी डेथ हुई थी ताशकंद में। कैसे हुई थी दोस्तों ये आज भी नहीं पता ठीक से किसी को, इसके ऊपर आज भी डाउटफुल है। और याद रखना दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इन्हीं के नाम का दोस्तों हम लोग बात करेंगे, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये हमको दोस्तों कहाँ पर मिलेगा? विश्व की सबसे पुराने शहर में, यानी कि दोस्तों हम लोग बात करें तो वाराणसी में मिलेगा। और आपको पता ही होगा कि वाराणसी भारत का पहला ऐसा शहर हो गया है दोस्तों जहां पर ट्रांसपोर्ट के लिए, यानी कि परिवहन के लिए रोपवे स्टार्ट हो गया है ना, रोपवे। रोपवे हम लोग बात करें तो इंडिया में कहीं पर भी दोस्तों ट्रांसपोर्ट के लिए स्टार्ट नहीं हुआ है, तो यही स्टार्ट हो गया है, ठीक है, ये भी याद रखो। नवंबर 2021 तक दोस्तों याद रखना वाराणसी जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है वो कंप्लीट हो जाएगा। और वाराणसी में दोस्तों एक खास तरीके का त्यौहार मनाया जाता है जिसको दोस्तों बोलते हैं दीप दीपावली, ये भी एग्जाम में आता है कि दीप दीपावली जो महोत्सव होता है ये कहाँ पर होता है, तो दीप दीपावली दोस्तों याद रखना, सर दीप नहीं देव दीपावली है ये, बेसिकली मैं इसको दीप दीपावली बोल रहा हूँ, याद रखें दोस्तों इसको बोलते हैं देव दीपावली। तो जो देव दीपावली है दोस्तों वो भी वाराणसी में ही मनाई जाती है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, देव दीपावली कहाँ पर मनाई जाती है, बिल्कुल। चले अब बेटा मैन ऑफ पीस है, मैन ऑफ पीस मतलब क्या है, मैन ऑफ, ये शांति की बात हो रही है, ये यहाँ पे शांति वाली बात हो रही है ना, क्योंकि दोस्तों इन्होंने ही युद्ध को विराम भी लगवा दिया था पाकिस्तान को हराने के बाद। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किसने की थी? 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, सुभाष चंद्र बोस ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, या फिर राजा राम मोहन रॉय?
ब्रह्म समाज दोस्तों, ये हम लोग बात करेंगे तो ये कहाँ पे बनाया गया था? कलकत्ता में बनाया गया था। और आप समझ रहे हैं कि दोस्तों ये किसने बनाया होगा? राम मोहन रॉय ने। और राम मोहन रॉय को राजा का टाइटल किसने दिया था? तो ये भी आप लोग को पता ही है, मुझे पता ये बात कि आप लोगों को बहुत अच्छे से पता, ये अकबर टू ने दिया था। ठीक है भाई, अकबर टू ने इनको राजा का टाइटल दिया था। मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ जिन बच्चों को नहीं पता, बस उनके लिए अकबर टू, क्योंकि जो बच्चे मेरी क्लास में रेगुलर है उनको बिल्कुल पता है ये अकबर टू ने दिया था। और राजा राम मोहन राय जाए की दोस्तों हम लोग जो डेथ है ये 1833 में हुई थी। और इनकी डेथ कहाँ पर हुई थी दोस्तों? ये एग्जाम में आ चुका है, इनकी डेथ हुई थी दोस्तों ब्रिटेन में, ये भी आप लोग यहाँ पे याद रखना। और ये अकबर टू का दोस्तों जो पेंशन है वो बढ़ाने के लिए गए थे कहाँ पे? इंग्लैंड गए थे। ठीक है, और अकबर टू दोस्तों कौन थे? मुगल राजा था, ये भी आप लोग को यहाँ पे याद रखना है। और इनको फादर ऑफ इनको फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया ही बोलते हैं, भारत का पहला आधुनिक व्यक्ति भी इन्हीं को बोलते हैं दोस्तों। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो बोल सकते हो फादर ऑफ इंडियन रेनेशा, भारतीय पुनर्जागरण के दोस्तों जनक भी ये माने जाते हैं। और आपको पता होगा दोस्तों इन्हीं के प्रयासों से 1829 में जब लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है वो हमारा क्या था दोस्तों? गवर्नर जनरल था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में हम लोग याद रखें दोस्तों बैन किया गया था इस इन्हीं के समय में सती सिस्टम, है ना, जो सती प्रथा है दोस्तों वो इन्हीं के समय में बैन किया गया था, ये भी आप लोग जरूर से जरूर याद रख लेना। चले दोस्तों, इंडियन नेवी एक्ट कब पास हुआ था जिसके थ्रू इंडियन नेवी जो है वो वर्क करना स्टार्ट करती? ये मैंने आपको एक दिन कराया था, बताएं जरा। इंडियन नेवी एक्ट कब पास हुआ था इसके बारे में आप लोग मुझे बताएं। और इंडियन नेवी डे कब होता है दोस्तों? ये आने वाला है 4 दिसंबर को होता है, इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को होता है। ये 4 दिसंबर को दोस्तों क्या हुआ था बता सकते हो आप? 1971 में हम लोगों ने परफॉर्म किया था ऑपरेशन ट्राइडेंट, यहां पर हमने परफॉर्म किया था ऑपरेशन ट्राइडेंट। और इस ऑपरेशन ट्राइडेंट में दोस्तों हमारी इंडियन नेवी ने जो कराची पोर्ट है उसको तबाह कर दिया था, कराची बंदरगाह को दोस्तों हमने तबाह कर दिया था। तो इसीलिए आप याद रखना दोस्तों, कराची बंदरगाह पूरी तरीके से हमने डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो इसीलिए 4 दिसंबर को इसी दिन की याद में हम लोग क्या मनाते हैं? हमारा नेवी डे इसी दिन ऑब्जर्व किया जाता है, ये बात आप लोग याद रखना, यानी कि नौसेना दिवस इसी दिन होता है। बिल्कुल दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1927, 1927 में इंडियन नेवी एक्ट पास हुआ था, ये आप लोग को बिल्कुल याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों हम लोग बढ़े, किसी को कोई दिक्कत हो तो जरूर पूछ लेना। अच्छा, आर्मी डे कब होता है दोस्तों? आर्मी डे होता है हमारा जिस दिन मायावती जी का बर्थडे भी होता है, 15 जनवरी, ठीक है ना। और हम लोग दोस्तों बात करेंगे आपका, और क्या कह सकते हो, हमारा एयरफोर्स डे दोस्तों कब होता है? एयरफोर्स डे आपको देखने को मिलता है 8 अक्टूबर, 8 अक्टूबर एयरफोर्स डे, 15 जनवरी आर्मी डे, है ना। तो मायावती जी मैंने क्यों बोला दोस्तों? याद रखने में आसानी हो जाएगी आपको, है ना। चलिए अगला दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में सबसे पहली बार नेशनल इनकम जो है दोस्तों, राष्ट्रीय आय जो है, इसकी इसका कैलकुलेशन किसने किया था, ये आपको बताना। नेशनल इनकम का दोस्तों जो कैलकुलेशन है सबसे पहले किसने किया था? हाँ जी बेटा, ट्राई कर सकते हैं आप लोग। और इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। और ये दोस्तों कौन थे? दादा भाई नरोजी जी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। और इन्होंने बताया था उस समय भारत में प्रति व्यक्ति जो आय थी वो 20 रुपए थी, 1867-68 में। यस और नो? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक, अब दोस्तों लोग बात करेंगे, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की नेशनल इनकम पहली बार साइंटिफिक तरीके से किसने की थी, तो दोस्तों ये थे VK RV राव, ये वैज्ञानिक तरीके से इन्होंने की थी पहली बार। साइंटिफिक जो है दोस्तों लोग बात करेंगे, साइंटिफिक कैलकुलेशन से अगर जिसने की थी फर्स्ट टाइम वो थे कौन? VK RV राव, ये भी याद रखना है। ठीक है ना, बिल्कुल। और दोस्तों हम लोग बात करेंगे VK RV राय कौन थे, तो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के पहले डायरेक्टर थे, ये भी याद रखेंगे। अच्छा दोस्तों, जो पीसी महाल नोबिस है, मिस्टर पीसी महाल नोबिस, प्रशांत चंद्र महाल नोबिस, इन्हीं के बेस पर कौन सा प्लान बनाया गया था? दोस्तों सेकेंड 5-ईयर प्लान जो है वो इन्हीं के मॉडल पर बनाया गया था, महाल नोबिस मॉडल पर दोस्तों हम लोग बात करें, सेकेंड 5-ईयर प्लान बनाया गया था। और इनका बर्थडे दोस्तों कब आता है ये भी याद रखो, पीसी महाल नोबिस जी का 29 जून को आता है। और इनको फादर ऑफ इंडियन स्टेटिस्टिक्स, भारत में सांख्यिकी के जनक कहे जाते हैं। और याद रखना दोस्तों, इसीलिए 29 जून को ही क्या मनाया जाता है? नेशनल स्टेटिस्टिक्स डे, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस भी दोस्तों ऑब्जर्व किया जाता है, ये भी आप लोग यहाँ पर जरूर से जरूर याद रखेंगे। ठीक है ना,
और दोस्तों इन्होंने ही कलकत्ता में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टेटिस्टिकल जो है वो भी स्थापित किया था महाल नोबिस जी ने, तो ये भी आप याद रखना है। चलो चलें अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थंडर क्लाउड जो है दोस्तों, ये हम लोग बात करें ये कौन से लेयर में होता है वायुमंडल के, जो बादल गरजते हैं दोस्तों, ये हम लोग बात करें तो कौन से लेयर में होता है, एनोस्फियर यानी कि आयन मंडल में, है ना, जोनोस्फियर यानी कि जोनोस्फियर में, ट्रोपोस्फियर यानी कि दोस्तों बात करेंगे आपका क्षोभ मंडल में, स्ट्रेटोस्फियर यानी कि समताप मंडल में। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए जरा। गुड मॉर्निंग राजीव, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग एवरीवन दोस्तों जिनके भी कमेंट मैंने नहीं देखे होंगे। चलें इस क्वेश्चन के आंसर दीजिए। एक बार आप लोग सेशन को यार शेयर कर दीजिएगा, और जो भी बच्चों ने सेशन को लाइक नहीं किया वो लाइक भी कर दें, एक बार सेशन को शेयर जरूर कर देंगे, और कोई भी सजेशन है तो डेफिनेटली दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, तो बेटा मैंने आप लोग को जब पढ़ाया था ज्योग्राफी, तो मैंने आप लोग को थ्योरी में क्या बताया था कि जितनी भी वेदर एक्टिविटी होती है यानी कि जो भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, है ना, चाहे वो बादल का बनना हो चाहे बादल का गरजना हो, वो सारी की सारी कहां पर होती दोस्तों, ट्रोपोस्फियर में होती, यानी कि क्षोभ मंडल में होती है ना। और आयनोस्फियर दोस्तों, आयन मंडल किसके रिस्पॉन्सिबल है, तो ये रिस्पॉन्सिबल है दोस्तों संचार के लिए, और संचार को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो आयनोस्फियर है यहाँ पे आयन पाए जाते हैं ना, और जब हम लोग यहाँ पे सिग्नल भेजते हैं तो इन्हीं से टकरा करके अर्थ में वापस आते हैं, तो कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फियर में दोस्तों आपको क्या मिलती है, आपको यहाँ पे ओजोन देखने को मिलती है, जो हमको यूवी रेस से बचाती है। और आपको पता है समताप मंडल में दोस्तों हम लोग बात करें जो फ्लाइट वगैरह है वो भी दोस्तों हम लोग बात करें उड़ते हैं, ये भी आपको याद रखना है। गुड मॉर्निंग लकी, गुड मॉर्निंग अजय, गुड मॉर्निंग इंजीनियर जनरल, गुड मॉर्निंग चंद्रहास, गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग अजय, एवरीवन गाइज। चले अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं। दोस्तों वॉल स्ट्रीट जो है ये किसके लिए फेमस है, आपको याद होना चाहिए, एक आया था ग्रेट रिसेशन, ग्रेट डिप्रेशन, मतलब दोस्तों बहुत भयंकर वाली मंदी, वो आपकी 1929 से लेकर के 1939 तक चली थी यूएसए में, है ना, तो उस समय ये सब मार्केट पूरी तरीके से तबाह हो गए थे। तो ग्रेट डिप्रेशन आता है तो आपको ऑप्शन में जनरली दे देता है 1930s, है ना, ऐसा लिख के दे देता है, महामंदी जो आई थी पूरे विश्व में, हालांकि इसकी शुरुआत होती है 1929 से, और ये चलता है कब तक है दोस्तों, 1939 तक चलता है ना, तो इस वाले एरिया में भी आपको देखने को मिली थी, है ना। थैंक यू भाई जनरल उमेश, अजय, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, तो दोस्तों ये हम लोग बात करेंगे वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क, वॉल स्ट्रीट के बारे में बात करें दोस्तों, तो ये आपको न्यूयॉर्क में देखने को मिलेगा। ये वॉल स्ट्रीट है क्या, कुछ नहीं है यार, आपने स्कैम 1992 देखा होगा तो आपको यहाँ पे दलाल स्ट्रीट देखने को मिला होगा, और दलाल स्ट्रीट दोस्तों कहाँ पर है, ये बेसिकली हम लोग बात करेंगे तो ये हमारी मुंबई में है ना, और यहीं पर दोस्तों हम लोग बात करेंगे तो हमारा शेयर मार्केट पूरा का पूरा है। जो न्यूयॉर्क का जो शेयर मार्केट है दोस्तों हम लोग बात करेंगे, उसी एरिया को वॉल स्ट्रीट बोलते हैं। और हमारे शेयर मार्केट कौन से, जैसे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया, तो उसी तरीके से न्यूयॉर्क का जो सबसे फेमस स्टॉक एक्सचेंज है दोस्तों अमेरिका का, उसको बोलते हैं नॉसडाक, क्या बोलते हैं, नॉसडाक। और ये भी क्वेश्चन आता है कि नॉसडाक कहाँ का स्टॉक एक्सचेंज है, तो दोस्तों याद रखो ये न्यूयॉर्क का है, यूएसए का है ना, तो हमारा दलाल स्ट्रीट है, उनका वॉल स्ट्रीट है, दोनों में अंतर है, दोनों याद रखेंगे। हेलो दीपक, गुड मॉर्निंग बेटा। मोहनजोदाड़ो का मतलब क्या है, मोहनजोदाड़ो दोस्तों एक शब्द है कौन सी भाषा का, सिंधी। और हम लोग बात करें दोस्तों सिंधी भाषा का शब्द है, क्योंकि आपको पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली कितनी लैंग्वेज थी, शेड्यूल नंबर 8 में 14, फिर 15th ऐड हुई थी दोस्तों सिंधी, और आज की डेट में है 22, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है दोस्तों मोहनजोदाड़ो का मीनिंग क्या, और मोहनजोदाड़ो बेसिकली है कहाँ पर, ये पाकिस्तान का जो सिंध स्टेट है, जो सिंध प्रोविंस है पाकिस्तान का, वहां पर आपको देखने को मिलता है। कल एक व्यक्ति की दोस्तों लोग बात करें तो डेथ भी हो गई पाकिस्तान में, है ना, और वो मौत का सौदागर है एक प्रकार से, उसने दोस्तों जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है ना वो ईरान से लेकर के नॉर्थ कोरिया सबको बेची थी, ठीक है। हाँ जी, तो दोस्तों इसका मतलब होता है माउंट ऑफ डेथ, बिल्कुल करेक्ट आपने बताया, मृतकों का टीला, यस सर, मृतकों का टीला, एक्यू खान की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, है ना। चले तो मृतकों का टीला बोलते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे दोस्तों बात के जो शव है वो यहाँ पर आपको देखने को मिले, इसलिए। अगला क्वेश्चन,
मेसोपोटामिया जो है दोस्तों आज की डेट में ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया दोस्तों जो सभ्यता है ना, वो ऐसा माना जाता है दो नदियों के बीच में आपको देखने को मिलती है, दो नदियों के बीच में आपको देखने को मिलती है मेसोपोटामिया। एक नदी है दोस्तों, मैं बात करता हूँ यूफ्रेट्स। जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं दोस्तों नदियों के किनारे मिलेंगी। और दूसरी नदी है दोस्तों, मैं बात करूंगा टिग्रिस। दूसरी नदी कौन सी? टिग्रिस। इनके बीच में अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर आपको मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो देखने को मिलेगी, मेनली मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में याद रखो दोस्तों, ये वर्ल्ड की ओल्डेस्ट है, सबसे प्राचीनतम सभ्यता यही है। विश्व की जो सबसे प्राचीनतम सभ्यता है दोस्तों वो यही है, ये भी आप लोग को याद रखना। हाँ जी, तो बच्चे एकदम करेक्ट बता रहे हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा इराक। और आपको याद रखना दोस्तों, जो इराक की राजधानी है आज की डेट में बगदाद, वो भी इसी नदी के किनारे है। जो बगदाद है वो आपका टिग्रिस नदी के किनारे है, ये भी आप लोग याद रखो। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग अभिषेक। चले, बिल्कुल भाई राजीव, ए राजीव, आर्मी लवर, संगीता, अमित, दुर्लभ। चलिए अमित, राहुल, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग यहाँ बढ़ते हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या याद रख सकते हैं दोस्तों, मेसोपोटामिया को सिंधु घाटी सभ्यता के समय क्या बोलते थे? देखो, सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, इसको दोस्तों उस समय बोलते थे मेलुहा। क्या बोलते थे? मेलुहा, ठीक है। और मेसोपोटामिया को दोस्तों उस समय बोलते थे मगन, ये भी याद रखो, मगन, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि हम लोग दोस्तों बहुत ज्यादा, हम लोग को पता चला है कि हमारा जो व्यापारिक संबंध था वो मगन के साथ था, और मगन कौन थे? मेसोपोटामिया। और वो लोग बोलते थे कि मेलुहा के साथ था, और मेलुहा कौन थे दोस्तों? हम लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, ठीक है। रक्षक दुबे, जय माता दी, जय माता दी भाई। बिल्कुल, आज पंचमी है ना, जहां तक ग्रैंड ट्रंक रोड जो है दोस्तों हम लोग बात करेंगे तो किसको किसको कनेक्ट करता है ग्रैंड ट्रंक रोड? ग्रैंड ट्रंक रोड दोस्तों हम लोग बात करें तो बाद में लॉर्ड ऑकलैंड ने बनवाया था, इसी को हम लोग बोल देते हैं दोस्तों, बताओ क्या? सड़के आजम या फिर सड़के शेरशाही, सड़के शेरशाही, है ना। बेसिकली दोस्तों इसको बनाने वाला मेन व्यक्ति कौन था? शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी, जिसका खुद का मकबरा इन्होंने कहाँ पे बनाया था दोस्तों? शशाराम में बनाया था। और शशाराम दोस्तों कहाँ पर है? बिहार में। और इनका जो मकबरा है दोस्तों, ये आर्टिफिशियल लेक से घिरा हुआ है, ये भी याद रखना। और अगर मैं ग्रैंड ट्रंक रोड के बारे में दोस्तों बात करूंगा तो ये स्टार्ट होता था पेशावर, और आज की डेट में जो पेशावर है दोस्तों ये कहाँ पर है? पाकिस्तान के पास में। और यहाँ से स्टार्ट होकर के दोस्तों ये जाता था सोनारगांव, सोनारगांव कहाँ पर है दोस्तों? हम लोग बात करेंगे तो बांग्लादेश, सोनारगांव बांग्लादेश। और इसके बीच में दोस्तों आज की डेट में हमारा इंडिया पड़ता है, हमारा भारत पड़ता है। तो जो जीटी रोड है दोस्तों हम लोग बात करेंगे तो किसको किसको कनेक्ट करेगा अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए? तो एक तरफ दोस्तों मैं यहाँ पे क्या लगा देता हूँ, बताओ आप लोग को अंदाजा हो गया होगा बेसिकली मैं यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ। ट्राई करो दोस्तों क्या होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर एक तरफ मुझे मिल जाएगा अमृतसर मिल जाएगा, इसी में दोस्तों मुझे दिल्ली मिल जाएगा, और इसी में मुझे यहाँ पर अगर मैं जाऊंगा तो मुझे कोलकाता मिल जाएगा। तो क्या मैं ये लगा सकता हूँ अमृतसर कोलकाता? तो बिल्कुल मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ अमृतसर कोलकाता में लगा सकता हूँ, बिल्कुल लगा सकता हूँ, ठीक है ना। अमृतसर, दिल्ली, इलाहाबाद, ये सब कुछ दोस्तों आपको ग्रैंड ट्रंक रोड में ही देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट दोस्तों। फाकलैंड, फाकलैंड ये कौन से ओशियन में आपको देखने को मिलेगा? फाकलैंड, फाकलैंड दोस्तों आपको कौन से ओशियन में देखने को मिलेगा? ट्राई करिए जरा फाकलैंड। इस क्वेश्चन का आंसर बताएं दोस्तों, फाकलैंड आपको कहां पर देखने को मिलेगा? और ये सबसे छोटा आइलैंड नेशन भी है अगर हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों तो। जय हिंद बेटा, जय हिंद। हाँ जी, फाकलैंड आइलैंड आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे, अगर आप साउथ अमेरिका का मैप देखोगे, अगर मान लो ये एक रफ मैप मैं बना देता हूँ साउथ अमेरिका का, ठीक है, तो ये यहाँ पर आप लोग देखोगे फाकलैंड, यहाँ पर आप लोग देखोगे फाकलैंड। तो इस वाले एशिया एरिया में दोस्तों आपको क्या देखने को मिलेगा? इस वाले एरिया में दोस्तों आपको देखने को मिलेगा अटलांटिक ओशियन, है ना, अटलांटिक ओशियन देखने को मिलेगा। तो फाकलैंड आपको कहां पर मिलेगा? अटलांटिक ओशियन में देखने को मिलेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर से जरूर याद रखना। और डिटेल में जाओ तो साउथ अटलांटिक ओशियन आप बोल सकते हैं उसको। अगला देखते हैं दोस्तों, पेट्रोलियम की जो प्राइस है ये कौन डिटरमिन करता है? हाँ
हाँ बिल्कुल शिवानी सही बोला बेटा, अपने स्मॉलेस्ट आइलैंड कंट्री आप बोल सकते हो कहाँ की, साउथ अमेरिका की। हाँ जी, जो बेटा पेट्रोलियम के प्राइस लगातार बढ़ रहे हैं, और आप लोग मुझे बताएंगे कि हम लोगों से अगर बात करें तो कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। तो आप लोग दोस्तों जानते हो जो IMF है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर, वॉशिंगटन DC में, आपको पता है। IBRD बेसिकली वर्ल्ड बैंक है, इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर मिलेगा। देखो ये तो दोस्तों IMF वॉशिंगटन DC, ठीक है, IBRD वॉशिंगटन DC। IBRD बेसिकली वर्ल्ड बैंक ही है, और IMF आपको पता है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है। तो दोस्तों इनका कोई लेना नहीं पेट्रोल से, पेट्रोल का काम होता है ओपेक का। अब दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं ओपेक के बारे में, तो ओपेक का फुल फॉर्म याद रखो, पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है ना, ऑर्गेनाइजेशन। फुल फॉर्म में बात करूँ तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज आप बोल सकते हो, ठीक है। और दोस्तों ओपेक का हेडक्वार्टर आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका हेडक्वार्टर आपको दोस्तों देखने को मिलेगा वियना में। इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, वियना में। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में दोस्तों कई बार पूछा जा चुका है। तो 1960 में दोस्तों हम लोग बात करेंगे ओपेक की स्थापना की गई थी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। देन HTML का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है, HTML का फुल फॉर्म दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, बताएं HTML का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। तो ये आराम से आप कर सकते हो, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। देन फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ये कौन था, तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, ये फर्स्ट पुर्तगीज गवर्नर या फिर पहला पुर्तगाली वाइस रॉय था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, और इस व्यक्ति की एक पॉलिसी बड़ी फेमस है, इसको बोलते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी क्योंकि ये जल पे नियंत्रण रखना चाहता था, पानी पर नियंत्रण रखना चाहता था, फ्रांसिस्को डा अल्मीडा। हाँ बिल्कुल बेटा, जो ऑस्ट्रिया है वो मेंबर नहीं है किसका, ओपेक का। बिल्कुल, उज्जैन जो है दोस्तों, जय महाकाल की बात कर रहे हैं, ये कौन सी रिवर के बैंक पे सिचुएटेड है। तो उज्जैन दोस्तों शिप्रा नदी के किनारे, और यहाँ पर भी कुंभ मेला लगता है, आपको बहुत अच्छे से पता है। आगे बात करते हैं दोस्तों, इनमें से कौन सी रिवर है जो डेल्टा नहीं बनाती है। तो दोस्तों आपको पता है तापी हो गया, या फिर मैं बात करूं नर्मदा नदी हो गया, ये डेल्टा नहीं बनाती है ना। तापी नर्मदा ये दोस्तों क्या बनाती है, ये बनाती एस्चुरी, क्योंकि दोस्तों बहुत तेजी से बहती हैं, तो ये जो 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 मिट्टी होती है पूरा लेकर के समुद्र में गिर जाती है। तो दोस्तों ये डेल्टा नहीं बनाती, ये एस्चुरी बनाती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी ये सब डेल्टा बनाती है। पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है ये आपको बताना है, पिन वैली नेशनल पार्क। और यहाँ पर मैं दो चार और लिखूंगा, वो भी आप लोग बताएंगे। आप मुझे बताएंगे दोस्तों जो कांगेर वैली नेशनल पार्क है ये कहाँ पर है, कांगेर वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है, इसमें कंफ्यूजन होता है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। दूसरा आप लोग मुझे बताएंगे दोस्तों न्यूरा वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है, न्यूरा वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है। और थर्ड दोस्तों आप लोग मुझे ये भी बताएंगे कि जो आपका साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है। ये वैली वाले चार हैं टोटल है ना, तो ये चारों आप लोग मुझे अभी बताओगे। रिफ्ट वैली से बहती बेटा नर्मदा, बिल्कुल ठीक है। ताप्ती नदी जो है उसके किनारे सूरत बसा हुआ है, या और हम लोग बात करें दोस्तों तो काफी इंपॉर्टेंट है ताप्ती नदी। तो सारे बच्चे बता रहे हैं पहले 32 का, दोस्तों 32 में जो करेक्ट आंसर होगा ये क्या हो जाएगा बताओ, हिमाचल प्रदेश। पिन वैली नेशनल पार्क आपका हिमाचल प्रदेश में। अब बचा है कांगेर वैली, न्योरा वैली और साइलेंट वैली, इसको बताओ। हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहे हो बेटा, ठीक है। तो कांगेर वैली दोस्तों मिलेगा आपको छत्तीसगढ़ में, जहां पर रिसेंटली एक नया टाइगर रिजर्व बना दिया गया दोस्तों, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, जो कि हमारे देश का 53वां है, ठीक है ना। नेवरा वैली दोस्तों ये हमको मिलेगा खेला होबे यानी कि वेस्ट बंगाल में, और साइलेंट वैली नेशनल पार्क दोस्तों ये हमको कहाँ पर मिलेगा, ये हमको मिलेगा केरला में। तो जितने भी वैली वाले मैंने एक जगह पे लिख दिए, अभी PDF भी मैं इसका प्रोवाइड कर दूंगा, तो ये आप लोग को याद रखना। गुड मॉर्निंग बेटा, चलिए। तो ये वैली वाले नेशनल पार्क है, क्या आप मुझे ये बता सकते हो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पर है, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पर है, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और एग्जाम में बहुत आता है। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, ऑप्शन है आपके पास 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऑप्शन है आपके पास। हाँ जी, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पर है,
हाँ बेटा, वैली ऑफ फ्लावर जो है वो उत्तराखंड में मिलेगा, बिल्कुल ठीक है। वैली ऑफ फ्लावर, नंदा देवी, ये सब उत्तराखंड में मिलेगा। राजा जी नेशनल पार्क उत्तराखंड में मिलेगा। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। हाँ जी बिल्कुल, तो राहुल हम लोग बात करें तो करेक्ट बताया बेटा, ये आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेगा और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है बेटा। टेलीग्राम में मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, डोंट वरी, लेक्चर के थोड़ी देर बाद में अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। आप अनअकैडमी की क्वालिटी कोर्सेज जो है दोस्तों अवेल कर सकते हो यूजिंग माई कोड NG10। इंस्टेंट आपको दोस्तों सभी कोर्सेज पर 10% ऑफ अवेलेबल हो जाएगा, सारे कोर्सेज पर। अगर कोई भी रॉन्ग कंटेंट आपको मिलता है दोस्तों अनअकैडमी पे, तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हो अनअकैडमी के किसी वीडियो में, और हर वीडियो में दोस्तों डिस्क्रिप्शन में जाना, आपको लिंक मिल जाएगा। और मैं बात करूँ दोस्तों अनुराग सर अनअकैडमी सर्च मार लेना तो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम। सारे बच्चे सेशन को एक बार लाइक जरूर करें, सेशन को शेयर करें, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें। और मैं न्यूज़पेपर देख रहा था तो उसमें ये बोल रहे हैं कि 15 अक्टूबर के आसपास आपका NTPC का रिजल्ट आ सकता है, तो अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से करो भाई, क्योंकि एग्ज़ाम जल्दी होगा। और सभी बच्चे दोस्तों मुझे फॉलो कर लीजिएगा अनअकैडमी पर, और जो मेरी प्रोफाइल है अनअकैडमी पर उसका जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हर संडे जो आपका जो टेस्ट होता है ना, खास करके जो बच्चे प्लस में नहीं है वो ज़रूर दिया करो 12 PM पे। तो उससे क्या होगा दोस्तों, अगर आप रैंक लेकर के आओगे तो आपके पास चांस है, खास करके टॉप 3 बच्चों के पास, कि वो बिल्कुल फ्री में अवेल कर सकते हो प्लस सब्सक्रिप्शन, है ना। बिल्कुल, लोगो पायलट भी आने के चांसेस बताए जा रहे हैं। वेलकम शिवानी, संगीता, राहुल, वेलकम एवरीवन दोस्तों। बाय बाय राजू। तो ठीक है, सेशन को एंड करते हैं। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, टेक केयर, मिलते हैं 5:30 AM पे। और इसके अलावा दोस्तों नॉलेज 365 जो हमारा यूट्यूब चैनल है, वहां पर भी, वहां पर हमारा क्या होगा गाइस बताओ, करंट अफेयर करेंगे आज 1 से लेकर के 10 तक तारीख के, जो रिवीजन के तौर पे, है ना। बिल्कुल।